एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ज्यादा तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद पांच राज्यों पर होंगे जल्द विधानसभा चुनाव, और पांच राज्यों का क्या कहता है ओपिनियन पोल सर्वे, किस राज्य में किसकी बनेगी सरकार, क्या आंकड़े बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात और यूपी, ये पांच राज्य तय करेंगे आने वाले चुनाव 2024 में किसकी बनेगी सरकार। और अगर इस तरह के आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इस पर क्या है जनता की राय, और किसकी पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं, सभी पांच राज्यों की आपको यहां पर जो जानकारी उसके अनुसार आपको यहां पर आंकड़े दिखाएंगे कि किसकी बनने जा रही है सरकार। इससे पहले जो सर्वे किया गया था बिहार विधानसभा चुनाव पर, तो तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा यहां पर पॉपुलर साबित हुए थे, लेकिन अब आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जेडीयू 23% लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन अब आंकड़े बदल सकते हैं। अब किसके पक्ष में क्या आंकड़े जा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में आंकड़े आपको दिखाएं तो जेडीयू को जो 71 सीटें, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी 80 सीटें, कांग्रेस को 27, बीजेपी को 53 सीटें। लेकिन बीजेपी अब किस स्थिति में आ सकती है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए? अगर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान की अगर बात करें तो आज तारीखों में बदलाव हो सकता है, और तारीखों में जो कह सकते हैं कि लॉकडाउन के चलते सब काम डिले होगा, इसके चलते अब तारीखों में भी हो सकता है बदलाव हो सकता है। और अगर आपको अब आंकड़े दिखाएं तो यहां पर तय करेगा फिर से गठबंधन की, गठबंधन किसके साथ किस पार्टी का होता है, और गठबंधन बीजेपी और यहाँ पर जेडीयू का जो गठबंधन है उसको ज्यादा यहाँ पर आंकड़े अब दिखाई देने लगे हैं। के अनुसार अगर बात करें तो इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, ऐसे आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। और यहां पर 90 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं। यहां पर अगर बात करें तो आरजेडी के लिए यहां पर 60, जेडीयू को 60 सीटें, कांग्रेस के हिस्से में 20 सीटें आ सकती हैं। तो कहना यह होगा कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो अगर हो जाता है तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव में एक वापस से बीजेपी जेडीयू की सरकार बन सकती है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन यहां पर जीत की तरफ बढ़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो असम में भी चुनाव होने हैं, और असम के अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो असम में कुल 126 सीटें आती हैं, 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है। और इससे पहले बीजेपी उसके सहयोगी की यहां पर असम में सरकार है, और कहना ये होगा कि अब असम में क्या आंकड़े बन सकते हैं, इस पर आंकड़े निकल कर जो आए हैं वो आपके साथ दिखाते हैं। देखिए अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में इलेक्शन हुए थे उसने 60 सीटें हासिल की, यानी बहुमत से सिर्फ 4 सीटें ही कम, लेकिन अब क्या आंकड़े बनते हैं। कांग्रेस की बात करें तो 26, यहां पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 13 सीटें, असम गण परिषद ने यहां पर 14 सीटें, और यहां पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी ने 12 सीटें यहां पर हासिल की। इसके अलावा अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो असम गण परिषद बीजेपी के साथ है, तो बोडोलैंड जो पीपल्स फ्रंट पार्टी है वो भी बीजेपी को सपोर्ट करती है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यहां पर कांग्रेस के पक्ष में है। असम विधानसभा चुनाव 2021 में क्या आंकड़े बन सकते हैं? असम विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी को 68 सीटें यहां पर आ सकती हैं, कांग्रेस को 17 सीटें, और यहां पर AIUDF के पार्टी जो है 12 सीटें, और असम गण परिषद के लिए 17, बोडोलैंड फ्रंट पार्टी के लिए 10 सीटें, अदर के लिए 3 सीटें यहां पर आ सकते हैं। यानी असम में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव होते सिर्फ 4 सीटें ही उनके पास कम थी, लेकिन सहयोगी ने उन्हें यहां पर समर्थन दिया जिसके बाद यहां पर बहुमत प्राप्त किया। लेकिन इस बार चुनाव जो कहते हैं आंकड़े उनके अनुसार बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है। अब आपको दिखा दें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में ये भी चुनाव होना है, लेकिन क्या आंकड़े बन सकते हैं इसके लिए भी आंकड़े आपको दिखाएंगे, क्योंकि सबसे अगर संघर्षपूर्ण चुनाव होगा तो वो पश्चिम बंगाल का ही होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई जो यहां पर कह सकते सत्रों से यहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का यहां पर शासन रहा है, लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े निकले थे उससे कहीं ना कहीं अब विधानसभा में भी आंकड़े बदल सकते हैं, ऐसे आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। बता दें 294 सीटें कुल आती हैं और 148 सीट पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है, लेकिन आंकड़े क्या बनते हैं पश्चिम बंगाल के लिए, 140 सीटें टीएमसी के पक्ष में जा रही हैं, बीजेपी को 110, आंकड़ा काफी अभी भी पीछे है बीजेपी के लिए, लेकिन आने वाले चुनाव के लिए अभी टाइम है और इस प्रकार के
जो आंकड़े बनेंगे और जिस प्रकार के चुनावी प्रचार होंगे, रैलियां होंगी और कैंडिडेट उतरते हैं, उससे साफ तौर पर बीजेपी जो है बहुमत का आंकड़ा भी पार कर सकती है, या यहां पर टीएमसी जो पहले करती आई है, हो सकता है कि वो ही यहां पर एक बार फिर से सरकार बना ले। लेकिन कहना होगा कि इस बार पश्चिम बंगाल बेहद ही चुनौतीपूर्ण यहां पर चुनाव होने वाला है। इसके अलावा 15 सीटें कांग्रेस के पक्ष में और अन्य के खाते में कुछ सीट जा सकती हैं। टीएमसी का यहां पर खेल जो है अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर बिगाड़ रही है, साफ तौर पर नुकसान उनको होने वाला है, ऐसे यहां पर खबर और जो सर्वेकर्ता हैं उनके थ्रू यहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में यहां पर अगर बात करें तो ममता बनर्जी को दो बड़ी पार्टी यहां पर टक्कर देंगी, जिनमें यहां पर अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकती है। इसका ही फायदा यहां पर बीजेपी को होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2022 में जो है गुजरात चुनाव भी होने वाले हैं और गुजरात चुनाव के क्या आंकड़े बन सकते हैं। गुजरात चुनाव के लिए अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो 182 कुल सीटें यहां से आती हैं और 92 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बन जाती है। इससे पहले जो चुनाव हुए तो 2017 में गुजरात के लिए 99 सीटें बीजेपी लाई, कांग्रेस यहां पर 77, यानी कांग्रेस और बीजेपी में काफी कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिली, जहां पूरे देश में बीजेपी लहर यानी मोदी लहर थी, लेकिन अपने गढ़ में बीजेपी कहीं ना कहीं संघर्ष करती नजर आई। लेकिन 2022 के चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन इससे पहले अगर आंकड़े दिखाएं तो काफी समय से बीजेपी का यहां पर गुजरात में शासन रहा है और आने वाले चुनाव के लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं उसके आंकड़े आपके सामने है। बीजेपी 98 सीटें तो कांग्रेस को 81 सीटें आ सकती हैं, यानी बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में सरकार बनाती नजर आ रही आंकड़ों के हिसाब से। अब बात कर लेते देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश के लिए, सबसे ज्यादा सीटें भी यहीं से आती हैं और उत्तर प्रदेश के लिए क्या कहता है चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल। अगर बात करें तो 403 सीटें कुल यहां से आती हैं, 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है और इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। लेकिन 2022 में जो चुनाव होने हैं उस पर क्या कहता है सर्वे। अखिलेश यादव का साफ तौर पर अभी से चुनावी प्रचार और कैंपेन जारी है, लेकिन अब फिलहाल के लिए ये कैंपेन रुकी हुई है, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि इस बार 350 सीटें का लक्ष्य बुकर लेकर चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस वाड्रा भी इस बार चुनावी मैदान में काफी दम खम के साथ यहां पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन हो सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस बार बीजेपी प्लस कुछ सीटें और इजाफा करने की कोशिश में है। इससे पहले अगर बात करें तो बीजेपी ने जो है 312 सीटें हासिल की, वही बीएसपी ने 19 और यहां पर सपा ने 47 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें हासिल हुई, कुछ सीटें अन्य के पक्ष में भी गई। लेकिन क्या बीजेपी जो अपना आंकड़ा था उसको पार कर पाएगी। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं जो इससे पहले जो सर्वे किया गया था उसके अनुसार सपा को 50 सीटें यहां पर आ सकती हैं, भाजपा को 270 सीटें यहां पर आ रही हैं, बीएसपी के खाते में 36 तो कांग्रेस को 22 सीटें यहां पर आने की उम्मीद है, अन्य के खाते में 15 सीट यहां पर आ सकती हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव 2022 तक होने हैं और 2022 के लिए इन 5 राज्य काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के दृष्टिकोण से और यहां पर कांग्रेस के दृष्टिकोण से। लेकिन आपको क्या लगता है इन 5 राज्यों में इस बार किसकी बनेगी सरकार, और कई ऐसे राज्य हैं जिन पर सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। फिर भी आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में रखिए, आपके हिसाब से इस बार किसकी बनेगी सरकार किस राज्य में, क्योंकि आपकी राय काफी महत्वपूर्ण है, तो अपनी राय जरूर दीजिए और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।